अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दूरसंचार मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान में भारत देश डिजिटल इंडिया की अवधारणा पर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में BSNL इंडिया, आइडिया, जियो आदि कंपनियों के मोबाइल टावर लगे हैं, जिनमें कवरेज की काफ़ी समस्या है। विशेषकर BSNL की स्थिति बहुत खराब है, आए दिन मोबाइल टावर काम करना बंद कर देते हैं। संसदीय क्षेत्र बालाघाट सिवनी के बालाघाट जिले में एवं सिवनी में ग्रामों एवं सुदूर क्षेत्रों में नेटवर्क की बहुत समस्या है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिला है। मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण ग्रामीण जनों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से टावर बंद रह रहे हैं, साल भर तक इनकी कोई देखरेख नहीं हो रही, सुधारा नहीं जा रहा है। मेरे द्वारा सक्षम अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बाद भी इस पर संज्ञान न लिया जाना उचित नहीं है। जहाँ टावर प्रारंभ रहते हैं वहाँ भी कवरेज और डाटा की गति अत्यधिक कम होने से अत्यधिक समस्या बनी है। नेटवर्क बंद रहने और डाटा गति कम रहने से बैंकों के काम, छात्रों की पढ़ाई, नौकरा पेशा, व्यक्ति और पंचायत कार्य, सोसाइटी में राशन वितरण कार्य आदि डिजिटल हो चुके हैं, प्रभावित होते हैं। भारत सरकार डिजिटल इंडिया की अवधारणा को नुकसान पहुंचा जा रहा है। एक और जहां 5G के दौर में आ गए, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में BSNL पुरानी 2G और 3G की गति में है। नगरी क्षेत्रों का भी यही हाल है। इसके पूर्व भी मेरे द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया था। मैं पुनः सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि ग्रामीण एवं नगरी क्षेत्रों में BSNL की व्यवस्थाएं सुधारे जाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बंद सभी टावरों को तत्काल प्रारंभ करने का कष्ट करेंगे। साथ ही अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या काफी कम है, उनको भी पूर्ति करने का कष्ट करेंगे।